नवाब को दिखाते हैं, नवाब के शशके स्टार्ट करें फिर। नवाबी काम भी सिर्फ नवाब करता है, हम अपने शौक से शौकीनों को लाजवाब करते हैं। माशाल्लाह भरपूर सीना, उफ़ ये है हमारे उज़ैर भाई का नवाब, जिसको उज़ैर भाई ने कुर्बानी लवर्स के लिए तैयार किया है। इसके साथ साथ इसकी ओए होए यार, पहले कमर चेक करो। हाँ भाई, तो उज़ैर भाई ने इसको कुर्बानी लवर्स के लिए तैयार किया है। इसके साथ साथ उज़ैर भाई का अपना बकरा भी तैयार हो रहा है, मगर वो हम कुर्बानी से पहले उसका आर्डर दिखाएंगे। माशाल्लाह पासे ओए होए। एंड दोस्तों, ये बकरा फॉर सेल है, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको आगे इंटरव्यू में दूंगा। जगह बहुत कंजेस्टेड है तो हम इस तरह से शूट नहीं कर पाए, और ये बकरा अपना जो बकरे का बेसिकली बनाव है वो सही इस वीडियो में नज़र नहीं आ पा रहा, क्योंकि यार थोड़ी सी जगह का भी इशू था और रात भी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, इस बकरे को देखने आप उज़ैर भाई के पास ज़रूर जाएँ, और कैटेगरीज के रेफरेंस पर डिस्काउंट भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलें फिर कुछ बातें उज़ैर भाई से करते हैं। तो ये है आज के शौकीन उज़ैर भाई और ये है इनका नवाब। सबसे पहले तो आज का आर्डर हम शूट कर रहे हैं रात के 2 बजे, तो उज़ैर भाई भी सबसे पहले कहानी बताओ। तो मुझे रात में कॉल करके बंदा बोलता है रिजवी शूट करे आर्डर बनाए, तो ऐसी क्या वजह थी? बस ये वजह थी कि पुरानी वीडियो देखा, जब पुराना आर्डर बनाया था उज़ैर भाई, उज़ैर भाई का बकरा था 210 केजी वाला जी, तो वही देख रहे थे जी, बिल्कुल वो देख रहे थे। तो बस सोचा कि शौकीनों को शौक दिखाया जाए। तो इतनी रात को कॉल करता है यार, इतनी रात में बंदा कह रहा है कि इस टाइम पे शूट करें जी। खैर अपना भी सीन ऑन है भाई, अब्दुल्ला भी साथ, मैं भी साथ, अपने बोला चलो। और घर पे दी टोपी तो दी नहीं, खैर कुटास लगी है अभी घर पे आके। बात करते हैं पॉइंट की, कहानियां बाद में भाई। ये बकरा तुमने मुझे बताया उज़ैर भाई कि मैं फॉर सेल कर जी, बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह? इसकी ये वजह है कि अपना शौक तो करते ही थे, अपना शौक कर रहे हो, माशाल्लाह 2-3 सालों से कुर्बानी का बकरा पाल लो, तो बस इस दफा दूसरे के लिए भी पाला है, दूसरों के लिए भी पालने भाई, शौकीनों के लिए। तो कुर्बानी लवर्स से सिर्फ उसी को देना है, कुर्बानी लवर्स के लिए बकरा पाला है उज़ैर भाई ने और फॉर सेल कर रहे हैं। उज़ैर भाई तुमने अपना बकरा भी तैयार करा, वो छुपा के रखा हुआ कमरे में, वो दिखाएंगे इंशाल्लाह टाइम पर, वो इंशाल्लाह उसका आर्डर भी बनाएंगे कुर्बानी के टाइम पर। अच्छा दोस्तों, जितने शौकीन ये वीडियो को देख रहे हैं यकीनन, तो दोस्तों से पहले मैं आपको बताऊं कि जगह बहुत कंजेस्टेड है, तो मैंने बकरे का शूट किया वाइड एंगल पे, तो वाइड एंगल में जब शूट किया तो बकरा जाहिर सी बात है अपना वजूद जो बकरे का बना हुआ है वो सही कैप्चर नहीं हो पाया मेरी वीडियो में ना, कोशिश मेरी पूरी थी। तो मैं ये चाहता हूँ जितने शौकीन इस आर्ट लॉग को देख रहे हैं वो आए स्पेशली बकरे को देखने के लिए। हम तो भाई पागल हैं, शौकीन है पागल है, 2 बजे ही पहुंच गए, मगर आप लोग दिन के टाइम पे आओगे तो ज़ैर भाई शौकीनों को, मेरे जितने व्यूवर्स हैं ना जो भी आए उनका ख्याल करोगे जी? बिल्कुल। और ये बकरा जाएगा इंशाल्लाह कुर्बानी लवर्स को, और अल्लाह की राह में कुर्बान होगा, सही हो ज़ैर भाई? अब बज रहे 3:15, तो अब्दुल्ला क्या बोलते हैं हम लोग वीडियो के एंड में? जाते जाते लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना, 3:30 बज रहे और दुआ करना कि हमारे अब्बा हमारी कुटास में लगा। तो ठीक है ज़ैर भाई, आज के लिए अल्लाह।